अब इसी अंदाज में एके मास्टर स्ट्रोक भी ले लेते हैं। दुख की बात यह है ना कि जो हमारी शान होती है, जिसको ये नेता लोग फॉरेन में जाके अपने भाषणों में बोलते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी आप देखिए, भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी देखिए, जो हमारी अनेकता है इसका सबसे जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया है। तो ये सारे पार्टी के नेता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी पार्टियों के नेता, जाति धर्म, कुछ पार्टियां तो केवल जाति और धर्म पे बिना कुछ किए जो है वो सरकार बना लिया। मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ श्री ए के मिश्रा जी ने कहा है। हम मिश्रा जी आपके बात से एकदम इत्तफाक कर लिया कि पूर्वांचल और बनारस, या नहीं तो प्रवक्ता बना दिया होता आज आपने मुझे, हम डर गए इसलिए बोल दिया। ओके, एके जी को आना पड़ेगा, 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 एके सर, एके जी को आना पड़ेगा। एके जी, एक चीज समझना चाहूंगा मैं, मिश्रा जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और इससे पहले कि और बाकी सुधीजनों के पास में जाऊं, सुधी राजनेताओं के पास में जाऊं, मैं एक बार एके मिश्रा के पास जरूर जाता हूं। एके मिश्रा जी, पूर्वांचल के सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम रखना कितना बड़ा गेम चेंजर होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि अगर बनारस की सरजमी पर मध्ययुगीन साधक रविदास जी को याद किया जा रहा है, इसके मायने क्या है, और रविदास जी को याद करते हुए क्या वाकई में दलितों को साधने की कोशिश है? अगर दलितों को साधने की कोशिश है और 22 साल पुराना वो स्मारक, उसका लोकार्पण कर दिया गया जिसकी शुरुआत, जिसका ख्वाब देखा था मायावती ने, तो क्या एक तीर से कई निशाने बनारस की सरजमी से मारे गए हैं? राशिद, आपने सही बोला है। देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय राजनीति की जो मतलब वॉर फील्ड है वो पूर्वांचल बना हुआ है, और उसके पीछे कारण है। देखिए है क्या, अमिताभ बच्चन भी हिट हुए तो बनारसी खाई के पान बनारस वाला गाना गा करके ही वो हिट हुए। काशी प्रयाग है ही ऐसा कि जीते जी चले जाओ, चाहे मरने के बाद जाओ, आपकी हड्डियां बहे, मोक्ष आपको तभी मिलता है। तो राजनीतिक मोक्ष लेने के लिए केवल मायावती जी ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी रैली की, उसके बाद मोदी जी भी जा रहे हैं। खैर, विकास में मान लेता हूं पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है मोदी जी के टाइम पे, और परसों भी होगा, सरकार किसी और की आ जाए 2019 में, विकास एक सतत प्रक्रिया है कम ज्यादा। अब देखिए है क्या, मैं बोलना यह चाहता हूं, छोटे छोटे काम करने वाले मोदी जी पैकेज बहुत बड़ा बड़ा देते हैं। 3,000 करोड़ एक शहर के लिए दे देना अपने आप में मायने है। जरा याद करिए, जब बिहार का इलेक्शन हुआ था, 50,000 करोड़ दू आपको दिया, 60,000 करोड़ दू दिया, 80,000 करोड़ दू दिया, 1,25,000 करोड़ दू दिया, कितना 1,25,000 रुपए पहुंचा उसमें से बिहार से। ये चुनावी पैकेज है साहब, और मायावती और मोदी जी, मैं दोनों को सुन लीजिए, दोनों को बोलता हूं। दूसरे पार्ट पे आते हैं, एक है शुरू हो गया इंडिया में पॉलिटिक्स ऑफ पेटेंट, और पेटेंट वो भी आइडियोलॉजी का। संत रविदास है, उन्होंने खुद कभी नहीं बोला कि मैं इस समुदाय का संत हूं। मायावती बोल रही, नहीं नहीं जी, मोदी जी को तो बोलना ही नहीं, ये पेटेंट है हमारा। मोदी जी जाके आज संत रविदास इतने दिन नहीं गए क्यों, और दलितों का वोट बैंक साधना है। एक और एक लाइन की टिप्पणी मुझे और कर लेने दीजिए। सवाल ये है, मोदी जी गए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनारस में लॉन्च कर दीजिए, कर दिए, जरा उनसे ये बताइए, एक बड़ा छोटा सा काम है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, आपने उस जगह को स्मारक बनाने के लिए भी 2-4 लाख रुपए तो दे दिया होता, जहां नानक देव जी और कबीर जी बैठ के शास्त्रार्थ किया करते थे, सत्संग करते थे। बीजेपी वाले मेरे को बता दे कहां करते थे, 80 घाट पे करते थे, हरिश्चंद्र घाट पे करते थे, भारतीय जनता पार्टी के कमर अली आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमर अली आ चुके हैं। कमर अली जी, बनारस कोई बजट नहीं है, उसको भी स्मारक बनवा। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमर अली आ चुके हैं। कमर अली जी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के अब से आप हालांकि थोड़ा सा लेट से आए हैं, लेकिन ओंकारनाथ जी ने कई बातें कही हैं। अभी एके मिश्रा पॉलिटिकल कमेंटेटर क्या कह रहे थे वो भी आपने सुन लिया है, लेकिन ओके, एके जी को आना पड़ेगा, 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 एके सर, एके जी को आना पड़ेगा। एके जी, एक चीज समझना चाहूंगा मैं, एक चीज समझना चाहूंगा मैं। ओके डॉक्टर अजीज, ओके डॉक्टर अजीज भाई,
ओके डॉक्टर अजीज भाई, आप भी थोड़ा सा पानी पिए, वंदना मैम आप भी थोड़ा सा पानी पिए, और एके मिश्रा जी मुझे एक बात समझाइएगा, पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है ना, पूर्वांचल का पूरा बेल्ट जो है एक बहुत ही अल्हड़ किस्म का ये बेल्ट है, मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, आप जौनपुर चले जाएं, बनारस चले जाएं, आजमगढ़ चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, आप देवरिया चले जाएं, इन सभी जगह मिर्जापुर वगैरह में आप चले जाएं, तो एक मिट्टी की अल्हड़ सी खुशबू आती है, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ एक बात कही जाती है कि यहाँ पर एक वेव काम किया करती है, अगर कोई लहर चल गई कांग्रेस की लहर चल गई कांग्रेस के लिए चली जाएगी, अगर बीजेपी की लहर चल गई बीजेपी के लिए चली जाएगी, समाजवादी पार्टी की चल गई तो समाजवादी पार्टी के लिए चली जाएगी, बहुजन समाज पार्टी के लिए लहर यहां पर कम ही चला करती है, कम ही चली है, जो कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान देखा हुआ है। क्या यह माना जाए कि अभी की लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलायंस से, SPBSP अलायंस से और प्रियंका गांधी के ऑरा से खुद को घिरा हुआ पा रहा है? देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, और ये बड़े दुख की बात है, जो जो कैरेक्टर आपने पूर्वांचल का किया, मैं तो पूरा इंडिया घूमा हूँ, छोटे छोटे शहरों को, हर जगह भारत की पहचान वही है। दुख की बात ये है ना कि जो हमारी शान होती है, जिसको ये नेता लोग फॉरेन में जाके अपने भाषणों में बोलते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी आप देखिए, भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी देखिए, जो हमारी अनेकता है इसका सबसे जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया है। तो ये सारे पार्टी के नेता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी पार्टियों के नेता, जाति धर्म, कुछ पार्टियां तो केवल जाति और धर्म पे बिना कुछ किए जो है वो सरकार बना लिया। सवाल आपका ये है, देखिए है क्या, एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी भी मुद्दे पे अगर किसी पार्टी से अलग हो गया, मैं बोलता हूं कि अगर पूर्वांचल ही बीजेपी से अलग हो जाए तो उसका जो प्रहार होता है, जो साइड इंपैक्ट होता है, वो बहुत जबरदस्त होता है, उसका मैसेज पूरे इंडिया में जाता है। मायावती जी क्यों घबराई हुई है, भले पूर्वांचल में उनको हो सकता है उतना वोट बैंक था या नहीं था, उसका जो एक कंपोनेंट होता है ना कि जो रिपीट होता चला जाता है, उसका इंपैक्ट होता चला जाता है। पूर्वांचल में वोट बैंक गया तो हवा ऐसी बनेगी कि आपका ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, हर जगह, ये मोदी जी के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। पूर्वांचल किसे पसंद करता है, प्रियंका को या मोदी जी को? नहीं देखिए आप या अखिलेश को? नहीं नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब आप ही के उसमें देता हूं शब्दों में। राशिद, आपने बोला ना कि पूर्वांचल में एक अल्हड़पन है, मैं आपको फिर बता दूं, पूर्वांचल पॉलिटिकल मामले में भी वहां के जो वोटर है ना, बड़े अल्हड़पन टाइप के हैं, बड़े मस्त टाइप के हैं, वो कसौटियों पे कसते हैं नेताओं को। अगर ये नेता समझते हैं कि हम पूर्वांचल के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है तो इनको मैं वॉर्न कर देना चाहता हूं। शायद मौजूदा दौर में, मैं दो मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप सभी सुधीजन मेरे साथ में बने रहे, नहीं रुके इनके लगातार, जिस दिन ये शहादत हुई, जिस दिन हमला हुआ, उस दिन से लेकर आज तक जाति धर्म मजहब लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कोई रुका नहीं। और आज ये जो बात कर रहे हैं, विकास किया, आप सवाल इस बात का पूछेगा, मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, जो हमारे राजनीतिक विशेषक श्री AK मिश्रा जी ने कहा है, हम मिश्रा जी आपके बात से एकदम इत्तफाक करीला कि पूर्वांचल और बनारस, या नहीं तो प्रवक्ता बना दिया होता आज आपने मुझे, हम डर गए इसलिए बोल दिया। सुनिए सुनिए, पूर्वांचल और बनारस दोनों ही पंडित जी केहू के ना छोड़ता है। अरे एकदम सही बोलता है, सुनिए सुनिए सुनिए, उनको सुनिए, हवन है जब ओके बढ़ावा ना, वही तरह से ओके गिराउ देना, ये तय में तय बात है, नहीं तो जनता दिखाई दे रही है 2019 में कि क्या स्थिति हो। अब इसी अंदाज में AK मास्टर स्ट्रोक भी ले लेते हैं। मैं देखा राशिद, हम एकदम क्लियर कट बताई दे, जवन तू एक शब्द बोला है अल्हड़ ना, अल्हड़पन वही होता जहाँ ज्ञान विज्ञान का भंडार होता। पूर्वांचल में संत रविदास, कबीरदास, तुलसीदास सब पैदा भए हैं। एक जितना नेता लोग बैठा है ना, अगर सोचा था कि हम जाए कि पूर्वांचल के लोगन के बेवकूफ बनाई दे तो गलत फहमी में जिन रहा, ये वही पूर्वांचल है। डॉक्टर वंदना पांडे, नहीं सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, ये वही पूर्वांचल है जे की दस्यु सुंदरी के जवान बाद दिल जीत लीन हो तो उनके नेता बनाए, पूर्वांचल के लोगन का दिल जीत। डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर वंदना पांडे, हालांकि इतनी इतना अच्छा पूर्वांचल वाले अंदाज में मैं बोल तो नहीं पाता, जौनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं बोल पाता, साधुवाद है, बड़ा अच्छा भी लगा, बहुत ही स्वीट लगा, बड़ा मधुर लगा आप दोनों लोग के कंठ से इस तरह की बात सुन करके। AK जी आप भी, और उनका भी।